उत्तर प्रदेश में माफियाओं के खिलाफ सीएम योगी आदित्यनाथ हमेशा से ही एक्शन मूड में रहे हैं। इस बार सीएम योगी ने एक माफिया के आतंक साम्राज्य पर गरीबों का आसियाना बना दिया है। दरअसल सीएम योगी ने प्रयागराज के लुकरगंज में फ्लैट्स का लोकार्पण किया। माफिया अतीक के कब्जे से मुक्त कराई गई जमीन पर गरीबों के आवास के सपने को सजाया है। 76 फ्लैट्स का सीएम योगी ने लोकार्पण किया है। जमीन को कब्जा मुक्त कराकर गरीबों के आवास बनाए गए हैं। बात करते हैं कि माफिया अतीक से मुक्त कराई गई जमीन पर बना गरीबों का आसियाना कितना खास है। बाहर से एक से दिखने वाले ये घर अंदर से बड़ा ही कमाल के हैं। जैसे एक आम मिडिल क्लास का घर होता है, ये बिल्कुल वैसा ही घर है। वेल फिनिशिंग के साथ ये घर गरीबों के लिए पूरी तरह से तैयार है। दीवारों पर शानदार पेंट और फर्श के साथ खिड़कियों से आती हुई रोशनी घर की रौनक को। किचन में मार्बल की स्लैब, नल कनेक्शन, पंखे और एलईडी लाइट्स घर में लगी हुई सभी बेसिक सुविधाओं का साक्ष्य है। खास बात यह है कि घर में एंट्री मारने के साथ लाभार्थियों के नाम और फ्लैट नंबर दिखाई दे रहा है। ये घर ठीक वैसा ही बना है जैसे कि एक साधारण परिवार को अपने लिए आवास चाहिए होता है। बसाए गए इस सभी आसियानों के साथ हरियाली का भी खास ख्याल रखा गया है। फ्लैट्स के बाहर साफ वातावरण भी लोगों के दिलों को सुकून देने वाला है। आवास का लाभ पाने वाले सभी लाभार्थियों के चेहरे पर इस वक्त खुशी और सुकून की झलक दिखाई दे रही है। फ्लैट पाने वाले लोग सीएम योगी आदित्यनाथ की तारीफ करते हुए नहीं थक रहे हैं। लोगों का कहना है कि सीएम ने उनकी जिंदगी की सबसे बड़ी परेशानी को हल कर दिया है। उनके सिर पर छत है तो उन्हें अब किसी बात की चिंता नहीं है। सिर्फ 3.5 लाख में 2 कमरे के फ्लैट दिए जा रहे हैं। इसी के साथ प्रयागराज में विकास की रफ्तार काफी अच्छी चल रही है। प्रधानमंत्री शहरी आवास योजना के तहत लोगों को फ्लैट मिल रहा है। साथ ही जिले में 660.5 करोड़ की 197 योजनाओं का शिलान्यास हुआ है। योजनाओं में महाकुंभ 2025 की योजना भी शामिल है। प्रदेश सरकार का विजन गरीबों और विकास कार्यों को लेकर साफ तौर पर दिखाई दे रहा है। एक और विकास और समय के अनुरूप अपने आप को विकास की प्रक्रिया के साथ जोड़ना और दूसरी तरफ विरासत का सम्मान। दुनिया की सबसे पहली गुरुकुल महर्षि भारद्वाज ने इसी प्रयागराज की धरती पर स्थापित किया। प्रयागराज में आज भी महर्षि भारद्वाज का आश्रम है। तमाम का विवानंद शास्त्र आज भी एक नई प्रेरणा बना हुआ है और इसके लिए हम लोगों को एक बार फिर से फ्लाइंग क्लब और फ्लाइंग क्लब के माध्यम से इस दिशा में आगे और क्या अनुसंधान इस क्षेत्र में हो सकते हैं, इस कार्यक्रम को आगे बढ़ाने के लिए भी मैं यहाँ विकास प्राधिकरण और लोकल मंडलायुक्त और मंडहा के जिला प्रशासन से भी कहूंगा इस प्रक्रिया को वे आगे बढ़ाने की कार्रवाई करें। उत्तर प्रदेश का सिविल एविएशन विभाग इस कार्यक्रम को उसी गति से आगे बढ़ाने का कार्य करेगा जिस गति के साथ एयरपोर्ट का निर्माण प्रयागराज की धरती पर हुआ। पहले के लिए 76 आवास है लेकिन इसके पीछे एक पवित्र भाव है। याद करिए, ये वही प्रदेश है जहां 2017 के पहले गरीबों की भूमि पर, व्यापारियों की भूमि पर, सरकारी भूमि पर कोई भी माफिया कोई भी दबंग आकर के कब्जा कर लेता था, गरीब देखता रहता था। लेकिन अब उन्हीं माफिया और दबंगों से छुड़ाई गई भूमि पर गरीबों के लिए आसियाना बन रहे हैं, अच्छे भवन बन रहे हैं। यह अपने आप एक मैसेज है और प्रयागराज प्राचीन काल से हमारी धरती पवित्र धरती रही है। ये तीर्थों की भूमि है, प्रयागराज तीर्थ है, ये हमारा सौभाग्य है। 2019 के प्रयागराज कुंभ के ठीक पूर्व हम लोगों ने इसका नामकरण एक बार फिर से इसका पौराणिक नाम प्रयागराज रख करके और स्मृतियों को ताजा करने का कार्य किया। ये कार्यक्रम जहां आगे बढ़े वहीं साथ ही साथ प्राचीन काल से ही धर्म और अध्यात्म की संस्कृति की धारा के साथ साथ शिक्षा और न्याय की धरती भी प्रयागराज रही है। और आज जब प्रदेश भर के सभी विकास प्राधिकरण इस कार्यक्रम के साथ जुड़े हुए हैं, मैं इस अवसर पर सभी विकास प्राधिकरणों से
वे भी अपनी माफियाओं से छुड़ाई गई जमीनों पर ऐसे ही गरीबों के लिए आसियाना बनाकर निर्भव का आयोजन मान्य जनप्रतिनिधियों की उपस्थिति में करवा करके उन गरीबों को उनका अधिकार देने का कार्य करेंगे तो यह लोगों के मन में एक नया विश्वास पैदा करेगा। प्रभात खबर.com विश्वास वही रफ्तार नहीं।